मोदी जी के जन्मदिन को मनाने के लिए जहां भाजपा ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं विपक्ष ने सेंधमारी में झोंकी पूरी ताकत। पूरे दिन बिहार में पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती चलती रही। हम अपने दर्शकों को इस राजनीतिक उठापटक के कुछ बानगी से रूबरू कराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को भाजपाइयों ने यशस्वी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं कांग्रेस और राजद जैसे मुख्य विपक्षी दलों ने जमकर बेरोजगारी का दाव खेला। भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने मुस्लिम नेताओं में से एक सैयद शहनवाज हुसैन ने आज पटना में प्रधानमंत्री को अक्लियतों का असली खेवनहार ही बता डाला। लंबे अरसे तक दिल्ली भाजपा का मुस्लिम चेहरा बन चुके और अब बिहार लौटे शहनवाज हुसैन पटना में मीडिया के जमावड़े के बीच चादर पोशी कर सुर्खियां बटोरने में आगे रहे। हजरत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह रहमतुल्ला के मजार पर जाते वक्त शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वैक्सीनेशन पर खूब घेराबंदी की। उनके जन्मदिन के मौके पर एक मेगा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और वैक्सीन तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव तक पहुंचा दिया। कांग्रेस कहती थी वैक्सीन दो वैक्सीन दो, आज पहले कहते थे अखिलेश यादव की हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे और कह रहे थे कि आप बड़ा बड़ा काम छोड़ दो वैक्सीन दे दो। आज नरेंद्र मोदी जी ने जब वैक्सीन दिया पूरे देश के अंदर तो कोई चर्चा करने को विपक्षी तैयार नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए हम यही कहेंगे, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। हम ये कहेंगे कि आज का दिन है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोदी जी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जहां वैक्सीनेशन को सफलता का पैमाना बताया गया, वहीं अलग अलग मंत्रालयों की ओर से खूब घोषणाएं की गई। इसमें रेल मंत्रालय ने फिर से कई जोड़ी ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की। कहीं पर भाजपाइयों ने मिठाइयां बांटी तो कहीं दूध से अभिषेक कराया गया। लबो लुआब यहाँ की मोदी जी को देश के वन मैन आर्मी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन विपक्ष भी कहां मानने वाला था। अररिया में कांग्रेसियों ने बूट पॉलिश कर मोदी जी से रोजगार के दावे की हवा निकालने का प्रयास किया। सरकार के गलत नीतियों के कारण आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और जिन लोगों के पास रोजगार है उन्हें भी रोजगार से मुक्त किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी के विरोध में आज हम लोग आज बेरोजगारी युवा दिवस मना रहे हैं ताकि केंद्र में बैठी सोई हुई सरकार तक ये मैसेज जाए और वो युवाओं को रोजगार देने का काम करे। क्या कर रहे हैं विरोध जताने के लिए? हम लोग बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है, तो आज बूट पॉलिश करके एक सरकार को संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गाय के गोबर का ही केक काट डाला। हद तो तब हो गई कि एनडीए सांसदों को इसको भिजवा दिया गया। इसमें दो राय नहीं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को कई मोर्चों पर चुनौतियां मिल रही हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण गुजरात का है। यूपी में चुनाव सर पर है, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में भाजपा के पास अपनी पब्लिसिटी का कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। देश के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी का यौम पैदाइश है और आज के दिन जहां कई जगह उनका जन्मदिन हम सब कार्यकर्ता मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद मिल रही है। हम लोग यहां पर हज़रत सैयद शहीद ग़ुलाम सफदर पीर मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आए हैं और नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र की दुआ करने आए हैं कि वो कामयाब हों। जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में लोगों की खिदमत की है, ऐसा रत्न कोई देश में हो नहीं सकता जिसने पूरी जिम्मेदारी से देश के संकट में मजबूती से खड़े रहे। दूसरी बात यह है कि अक्लियतों के बीच में, अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में अगर और लोगों ने तो लफाजी की है, बयानबाजी की है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये करके दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान के अक्लियतों के बीच में, यानी जब नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के नेता हैं और जब 130 करोड़ कहते हैं तो सब की बात करते हैं। वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब कहते थे 5 करोड़ गुजराती, मतलब सारे गुजराती, आज वो सारे हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं।
जो इस मुल्क से प्यार करता है नरेंद्र मोदी जी उससे प्यार करते हैं। हम लोग आज उनके लिए दुआ करने के लिए आए हैं और आज उनको मुबारकबाद देने के लिए और उनके लंबी उम्र की दुआ करने के लिए और वो लंबे काल तक भारत के प्रधानमंत्री रहें, लंबे काल तक वो इस मुल्क की खिदमत करें और वो सारे रिकॉर्ड यानी महातिर मोहम्मद ने जिस उम्र तक खिदमत की उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी। देश की जनता उनको कभी भी अपने से अलग करने वाली नहीं है, वो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म थे और लंबे काल तक वज़ीर आज़म रहेंगे।